आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हम अपने बगीचे पहुंच चुके हैं। देखिए, आपने वीडियो में देखा होगा रोड के बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्रेट जो क्रेट लाए थे उनको अभी हम अपने रॉयल के जो हमारा बगीचा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हो रॉयल के ये जो देखिए ये प्लांट, ये रॉयल का पेड़ है और इसमें भी बहुत अच्छे से कलर आया है। बहुत ही बढ़िया कलर इसमें आया है, देखिए पूरे में। और साइज़ भी लगभग ठीक है इसमें। और बाकी इधर साइड ये देखिए, ये है रेड का, ये वाला जो सेब है ये है रेड और इसको बोलते हैं ये है रॉयल। तो अभी मौसम की बात की जाए तो देखिए वहाँ पे सामने भोलेनाथ जी है। भोलेनाथ जी के दर्शन तो अभी नहीं होंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर धुंध पड़ी है चोटी में। तो जय हो भोलेनाथ जी, और आप सभी पर भी भोलेनाथ जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बाकी आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी तो मैं बगीचे के बीच हूँ तो कुछ खास दिखाई नहीं देगा। और देखिए पूरे नीचे तक बादल आए हुए हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ का जो मौसम है, टेम्परेचर है, बहुत ही अच्छा है। बहुत ही मतलब यहाँ गर्मी नहीं है। रामपुर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो सुबह ही हम रामपुर से निकल चुके थे। तो अभी हमने यहाँ पे क्रेट लाए थे और क्रेट हमने रख लिए हैं और बस अभी हम घर जाएंगे। और कल से हम रॉयल का जो सेब तोड़ान है वो कल से शुरू हो जाएगा। और बाकी तो आप देख सकते हो कलर भी इसमें बढ़िया से आया हुआ है। और के इधर साइड भी छोटे से प्लांट में भी काफ़ी अच्छी फसल है। और ये जो ऑर्चर्ड है ये 60 से 70 साल के आसपास का है, बहुत पुराना। ये जो ऑर्चर्ड है बहुत पुराना बगीचा है ये। तो देखिए कुछ इस तरह से इसमें फसल है। ये रॉयल है, देखिए रॉयल में काफ़ी शानदार इसमें फसल है। ट्रेडिशनल तरीके से इसमें खेती होती है और देखिए पूरा इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी इसमें फसल है। और इधर साइड नीचे को है गोल्डन का प्लांट, ये वाला प्लांट है गोल्डन का। और बाकी उधर साइड भी रॉयल है, साथ में बीच बीच में रेड के प्लांट भी है। और इधर को भी है, ऊपर देखिए कई मतलब कई पेड़ों में तो बहुत अच्छी फसल है और कईयों में थोड़ा कम है फसल। और बाकी साइज़ तो एकदम अच्छा है, इस बार बढ़िया साइज़ है। तो अभी ऐसा करते हैं, अभी घर चलते हैं। घर थोड़ा अभी सुबह से आए ना तो कुछ खाया पिया भी नहीं, अभी एक एक नाशपत्ती खा ली थी। तो और यहाँ नाशपत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा नाशपत्तियाँ हैं, देखिए मैंने अभी मैं लेके आई थी, देखिए कितनी बड़ी बड़ी नाशपत्तियाँ हैं। तो एक नाशपत्ती खा ली मैंने और पेट फिलहाल के लिए तो भर चुका है। अभी यहाँ से जाना है हमें जो हमारा दूसरा बगीचा है वहाँ पे, हमारा मतलब घर वहाँ पे है। तो यहाँ तो रहने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ हमने सिर्फ वहाँ पे आपको दिख रहा होगा चादर वहाँ पे, तो वहाँ हमने स्टोर रूम बना रखा है। बाकी रहने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम घर जाएंगे तो फिर वहाँ पे कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करेंगे। और बाकी देखिए नाशपाती भी खूब बढ़िया से हैं, पकी हुई है, एकदम रसीली नाशपाती है, एकदम से स्वादिष्ट है। ये देखिए मोटी डंडी की ये नाशपाती है,
इस तरह से बहुत सारे नाशपतियाँ हैं। हमने ये टाइम से, मतलब हमने ये मार्केट नहीं ले गई, अभी ओवर हो चुकी है, अभी मार्केट के लिए ज़्यादा पक चुकी है, तो अभी हम इसको मार्केट इनको नहीं ले जा सकते। जैसे ही सुबह बाहर निकले तो बाहर कुछ इस तरह का देखने को मिला, पूरी चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, और 5:30 बजे देखिए हाइट में, मतलब पहाड़ों में कुछ इस तरह का सुबह सुबह रहता है, बिल्कुल अंधेरा ही है, बस 5-10 मीटर के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और बस अभी तो यहाँ पे हम अपने, मतलब बगीचे आए हैं, और आज से हम रॉयल का तोड़ान कर रहे हैं। और यहाँ देखिए इस प्लांट में सिर्फ सेब दिख रहे हैं, बाकी नीचे को बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। ये गोल्डन का पेड़ है बिल्कुल घर के सामने। तो फिलहाल अभी चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं और भोग वगैरह बनाते हैं, उसके बाद जाके सेब तोड़ने जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, तो मैं आपको यहाँ की खूबसूरत वादियों को दिखाऊंगी जैसे ये कोरा छटेगा। तो ये है हमारा यहाँ पे किचन, आग का देखिए चूल्हा भी यहाँ पे, साथ में तंदूर लगा रखा है, और उधर साइड हमने गैस सिलेंडर रखा है। और क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आग तो बहुत ज़रूरी होती है, बस अभी मुझे आग जलानी है। जादरकोट का बंदा, जादरकोट का बंदा भी था। थैली थैली ते आनी होनी। इधर साइड ना बस बैठ बैठ के ही सेब तोड़ने के लिए, ये है बैग। हेलो दोस्तों, सुबह से इतना ज़्यादा बिजी थे कि मतलब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हम जो रॉयल का, मतलब सेब जो तोड़ान कर रहे थे रॉयल का, तो एक जगह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। और देखिए इस तरह से हमने इधर क्रेटें भर रखी है। तो अभी थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि अभी अभी हम तोड़ान से फ्री हुए हैं, बस अब हमने ये रोड को निकालने, क्योंकि यहाँ साथ में ही रोड है बगीचे के बिल्कुल बगल में ही, तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, पर रोड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और पूरे हमने ऑर्चर्ड में, यहाँ पे हमारे थोड़े बहुत प्लांट थे तो हमने सेब यहाँ तोड़ दिए। मतलब हमारा जो, मतलब मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है, और ये नेपाली भाई लोग आए हैं तो इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। तो अभी क्रेट निकाल रहे हैं नीचे।
स्नान के बाद अभी हम घर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ मैंने आग जला रखी है और कुकर में दाल चढ़ा रखी है। बाकी देखिए ये वाली चटाई ना, इधर पहाड़ों में हमारे ऐसी पहाड़ी चटाई बनती है, देखिए घास से बनी होती है ये। और बस अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है, रात के खाने की। तो बहुत सारा दिन भर ऐसे मतलब थकान भरा रहा है और एक बगीचे से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी मशीन पर ले जाने को है और बस अब शाम के खाने की तैयारी करते हैं। और बाहर भी मौसम कुछ इस तरह का है। तो आज है नेक्स्ट डे आज दूसरा दिन हमारा सेब तलवान का है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ और मेरी मिक्स दाल बनके तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने आज मिक्स दाल बनाई है और 6-7 तोड़ान करने वाले हैं। तो मिक्स दाल बना ली है और अभी मतलब दिन का खाना बन रहा है लंच। और कुकर में चावल डाले हैं कि आग पे आजकल खाना पक रहा है, आजकल आग पे ही पूरा खाना पक रहा है क्योंकि हाइट में यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो आग जलाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। बाकी बाहर का आज का जो मौसम है, आज का मौसम काफ़ी बढ़िया है, सुहावना है। बेशक ऊपर देखिए चोटियों में काफ़ी मतलब कोहरा पड़ा है, छाया है, धुंध है, ऊपर ऊपर बादल काफ़ी नीचे तक आए हैं। और जैसे ही हम 3 दिन हो गए हमारे को यहाँ आके, तो अभी तक हमारे को भोलेनाथ जी के दर्शन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं क्योंकि वहाँ पे ना जो ये धुंध है वो बिल्कुल हट नहीं रही है ये इसी तरह से। और बाकी उधर देखिए वहाँ पे नेपाली भाई लोग सेब तोड़ान कर रहे हैं। और बाकी मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, धूप भी लगी है, वैसे बादल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, फिर भी बढ़िया से मौसम है और खूब बढ़िया। आजकल देखिए आसपास का ये है श्रीखंड वैली, तो अभी शाम हो चुकी है और दूसरे दिन का इवनिंग टाइम है। और अभी इस टाइम देखिए आसपास का कुछ इस तरह से दिख रहा है क्योंकि ये मैं अपनी किचन की खिड़की से दिखा रही हूँ, तभी बस इतना ही दिख रहा है। और वो गांव सामने दिख रहा है, जाऊँ गांव और यहीं होके श्रीखंड जाती हैं। बाकी श्रीखंड में तो देखिए पूरा जब से हम आए हैं तब से इसी तरह कोहरा छाया हुआ, बिल्कुल भी श्रीखंड के ऊपर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और पूरी चोटियाँ ढकी हुई है देखिए इस तरह से। और अभी शाम का टाइम है क्योंकि दिन भर वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा काम है। तो आज हमारा सेब तोड़ान का दूसरा दिन है और अभी दूसरा दिन ख़त्म होने को है। तो शाम के टाइम अभी मैं रात के खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा खेत से जल्दी आ गई थी क्योंकि आज हमारे 2 मेंबर और बढ़ गए हैं, लेबर के जो 2 मेंबर हैं वो बढ़ गए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा हो गए आज हम, इसीलिए थोड़ा टाइम से आ गई थी और खाने पीने का इंतज़ाम करना है। और फिर इधर से मैंने आग जला दी और आग भी अच्छे से अब जल चुकी है। तो बाकी सब्जी मैंने इधर काट रखी है। तो आज हम खाने में बनाएंगे मिक्स वेज और साथ में मैंने आटा गूंद रखा है तो भटूरे बनाएंगे और बाकी थोड़ी सी दाल भी बनाएंगे। तो अभी पतीला लगाया मैंने क्योंकि कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है कि इतनी सारी सब्जी उसमें आ जाए, इसीलिए मैं इस सब्जी को पतीले में बनाऊंगी। Thank you.
नानी किस को बोलते हैं? लड़की को। लड़की को क्या बोलते हैं? नानी। नानी 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 दादी है, नानी बोलते हैं उसको। हम बोलते हैं नानी को, नानी को जो जो माता की माता है, माँ की माँ, दादी। छोटी को नानी बोलते हैं, बेटी को छोरी बोलते हैं। अच्छा, बेटे को? बेटा को छोरा। छोरा छोरा किधर गया रे? छोरा छोरी। आज हमारा सेब तोड़ान का चौथा दिन है और चौथे दिन की भी शाम हो चुकी है और धूप आज बिल्कुल भी नहीं थी। सारा दिन भर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ऐसे ही हमने सेब को क्लोज़ कर दिया और बाकी अब बचा है सिर्फ हमारे पास गोल्डन सेब। तो गोल्डन सेब अभी थोड़ा कच्चा है, इसको हम बाद में उतारेंगे कुछ टाइम 15-20 दिन बाद। और बाकी अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम देखिए जैसे जब से हम यहाँ पे आए, आज चौथा दिन है, तो आज हमारे को श्रीखंड के दर्शन हो गए देखिए भोलेनाथ जी के। और जय हो भोलेनाथ जी, आप पर भी भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे। और बादल भी देखिए, काफ़ी नीचे तक बादल आए हैं, धुंध उठ रही है और बिल्कुल आज चोटी। और सुबह के टाइम श्रीखंड में मतलब ताज़ा हिमपात हुआ था, थोड़ा थोड़ा इसमें यहाँ पे बर्फ़ भी थी और काफ़ी बढ़िया है मौसम, ठंडा है और आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और बाकी अभी शाम के टाइम मौसम खुल रहा है, वहाँ से देखिए उधर साइड से मौसम खुल चुका है। और दिन भर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई काम करने में और आज हमने अपना यहाँ का जो हमारा सेव था वो अब कंप्लीट हो चुका है। और अब कुछ दिन बाद हम यहाँ से थोड़ा और हाइट को जाएंगे, तो वहाँ अभी थोड़ा कच्चा है और बस अभी यहाँ से क्लोज होके अभी बाकी थोड़ा ग्रेडिंग करने के लिए बाकी बचा है, तो एक दो दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी देखिए वहाँ से एक कुरपन खड बह रही है जिसमें वो फ्लड आया था, तो यहीं होके देखिए इधर साइड भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग हुई है और तो यहीं से वो वहाँ पे श्रीखंड से मतलब इधर साइड वो बादल फटा था और इसी खड में वो फ्लड आया था जिसने बागीपुल में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, तो समेत साइड भी यहीं से ऊपर से गया था। तो वहाँ पर श्रीखंड महादेव जी आपको वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऐसे यहाँ से पूरा शिवलिंग दिखता है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं और वहाँ पे जाओ में माता रानी के दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह ही। तो कुछ इस तरह से है यहाँ का जो इलाका है, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी एरिया है और रोड के भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है और बारिश के बाद तो रोड के हाल बहुत ही डेंजर हो जाते हैं। और बस बाकी अभी खाने वाने की तैयारी हो रही है आज, तो कल हम यहाँ से क्लोज़ करके चले जाएंगे। तो उधर उधर साइड भी देखिए काफ़ी खूबसूरत, इस टाइम शाम के 6 बजे हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी सुहावना सा अभी मौसम है और मतलब काफ़ी ठंडा ठंडा है बढ़िया से। और इधर साइड है हमारा यहाँ पे घर और इधर निचली साइड रहते हैं जो नेपाली लोग हैं, तो नेपाली भाई जो आए हैं सेब तोड़ान के लिए, इधर साइड है निचली साइड उनका डेरा है। तो बढ़िया लगा इनके साथ भी रह के, 4-5 दिन इनके साथ रहे, अच्छा व्यवहार है सबका, तो सबको मैंने अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया है। और तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए रख लेते हैं क्योंकि अभी शाम के खाने की तैयारियां करनी है, तो क्योंकि यहाँ पर ना जल्दी ऐसा लगता है जैसे इस टाइम अंधेरा होने को है, वैसे टाइम तो अभी काफ़ी है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि बस अब रात होने ही वाली होगी, तो पहाड़ों में ऐसे ही लगता है। और बाकी देखिए सेब के प्लांट पूरे खाली हो चुके, इधर साइड पूरे बड़े बड़े प्लांट थे और वहाँ पर देखिए निचली साइड वहाँ पर हमने 2-4 क्रेट रखी है, तो अभी 20-22 क्रेट बचे हैं, इनको सुबह ले जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है, सारा दिन भर बहुत ज़्यादा सेब तोड़ान किया और ढलान भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अभी ये क्रेट हम जो भी बचे हैं 20-22 सुबह ले जाएंगे। तो बाकी तो पूरा बगीचा अब
एकदम से खाली हो चुका है सिवाय गोल्डन के। गोल्डन सेब हमने बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा ही हार्वेस्ट किया है क्योंकि ये अभी थोड़ा कच्चा है, तो इसको 15-20 दिन पकने देंगे और उसके बाद इसको तुड़ान करेंगे। तो चलिए अभी शाम के खाने की तैयारियां करते हैं।